इडली मेकर में आपको आधा रिम तक पानी फिल करना है और इसको आप चढ़ा दें गैस स्टोव पर, तब तक हम अपना मिक्सचर बनाते हैं। इस कटोरी के मेजरमेंट से ये देखिए मैंने क्या किया है, MTR का सूजी मिक्स आता है फॉर मेकिंग इडली, ये मैंने लिया है। इसमें इन गोज द सूजी और इसी के अंदर अब हम उतनी ही दही ऐड करेंगे। ये दही मेरी दही, अब इन दोनों का हम एक स्मूथ बैटर रेडी करेंगे। पर अच्छे से फेंट लेते हैं इसको इस तरीके से, रनी बैटर नहीं होना चाहिए, बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए। अब इसको ना आप 1 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दें, अगर हमें लगेगा तो हम इसमें बाद में थोड़ा सा पानी या फिर थोड़ी सी दही ऐड करेंगे। बैचेस के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैंने ये देखिए फूड कलर्स ले लिए हैं, अपनी चॉइस के फूड कलर्स ले लें, यहाँ पर ग्रीन, येलो, पिंक, ब्लू सब हैं। क्योंकि बैचेस बनाने हैं तो मुझे थोड़ा थोड़ा मिक्सचर अलग लेना पड़ेगा, सो दैट आई कैन यूज दैट मिक्सचर। 3-4 कलर के बनाऊंगी, तो ये 3 कलर के बैच हो गए, बचे हुए मिक्सचर में एक साथ डाल दूंगी। तो आई एम गोइंग टू यूज द फर्स्ट कलर विच इज माई रेड कलर, दैट्स ऑल। देन माई सेकेंड कलर विच इज माई ब्लू कलर, लग रहा है ना होली स्पेशल एकदम। थर्ड कलर विच इज माई ग्रीन कलर, एंड फोर्थ वन आई थिंक आई लव पिंक, नॉट यूज पिंक, दिस इज द पिंक। ये जो बचा हुआ बैच है इसमें डाल देते हैं पिंक, ये गया पिंक कलर। होली की इडली प्लेट रेडी है, अब स्टीमर में जाने के लिए 15 मिनट के लिए। अब चेक कि इडली पकी है कि नहीं पकी है। जब भी आप इडली को निकालेंगे उससे पहले आप इस तरह से नाइफ को इंसर्ट करके देखेंगे, अगर ये क्लीन आती है इसका मतलब आपकी इडली पककर रेडी है। ये देखिए सारी कलरफुल इडलीज रेडी हैं, अब लगाते हैं इनके अंदर तड़का। ये देखिए तड़के के लिए 1 टीस्पून के करीब मैंने डाल दिया इसमें ऑयल, और इसमें गए करी लीव्स और साथ में मेरे मस्टर्ड सीड्स या राई आप बोल सकते हैं इनको। ये जब तक पकेंगे साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी ये इडली चिली पाउडर। सो जिनको गन पाउडर वाली इडली पसंद हो, जो कोडी इडली कहते हैं, वो ये पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा ये कोडी इडली वाला मसाला, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल किचन किंग डाल के, रेड चिली पाउडर डाल के फ्राई कर सकते हैं। मैं तो दोनों मिक्स कर देती हूँ, मुझे तो चटपटा खाने का बहुत ही शौक है। आई हैव मिक्स्ड बोथ ऑफ देम, इफ यू कुड सी हियर। बहुत लोग इसमें घी भी डालते हैं, तो घी पोड़ी इडली अगर आप बना रहे हैं तो घी में इसको फ्राई कर लें, अदरवाइज नॉर्मल ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल, व्हाटएवर यू हैव उसमें आप इसको फ्राई आउट कर लें। अब इनको हल्का हल्का लाइटली फ्राई आउट करना है फॉर अबाउट अ मिनट और सो। हेल्दी होली की रेसिपी बनकर रेडी है। ये रही रेसिपी, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।